नमस्कार दोस्तों, गेट इंस्पायर्ड किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पनीर भुर्जी, जो कि एक टिफिन रेसिपी भी है और बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरा धनिया और पनीर के ये टुकड़े लिए हैं। एक पनीर को हमने थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया है, हाथों से थोड़ा सा उसको तोड़ लिया है, जिससे कि वो इस तरह का दिखे। इसके बाद मैं एक पैन लूंगी। पैन में हमने क्लैरिफाइड बटर मतलब घी डाला है, ये 2 टेबलस्पून ही मैंने लिए हैं। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम लो आंच पे ही रखेंगे गैस को, और उसके बाद इसमें हम ज़ीरा डालेंगे। मैंने इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा डाला है, और ज़ीरे को हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। अब ये जो प्याज है, इसको आपको तब तक चलाना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, करीबन 1/4 मैंने डाला है, जिससे कि प्याज अपना मॉइस्चर थोड़ा सा और उसका मॉइस्चर निकले और वो जल्दी ही कलर में आ जाए, जो कलर हमको चाहिए। हम हल्दी डालेंगे इसमें, उसके बाद हम धनिया पाउडर डालेंगे, हमने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ली है, और हमने गरम मसाला लिया है। गरम मसाला बहुत थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि बच्चों को गरम मसाला बहुत पसंद नहीं है। अगर ये आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें गरम मसाला ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको इस तरह से चला लीजिए, जिससे कि मसाले जो हैं वो प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएं, उसमें कच्चा कच्चा स्वाद ना रहे। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें पानी डाल के भी पका सकते हैं। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि अब मैंने ये टमाटर डाल दिया है, और टमाटर क्योंकि अपना पानी खुद छोड़ता है, तो इस वजह से इसमें मैं टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा हल्का सा आप चाहें तो नमक डाल दीजिए, जिससे कि टमाटर अपना पानी थोड़ा जल्दी ही छोड़ दे और इसमें पकने में, सब्जी को पकने में आसानी हो सके। अब हम इसको ढक देंगे, कुछ देर के लिए ढकेंगे, जिससे कि जो हमारी सब्जी है वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा टमाटर जो है वो मशी हो जाए, क्योंकि टमाटर जितनी जल्दी पकेगा उतनी ही जल्दी आप फिर इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। अब मैं शिमला मिर्च को टमाटर और प्याज के इस मिक्सचर के साथ पकाऊंगी। शिमला मिर्च आप चाहें, अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना गल जाए, तो आप कम भी गला सकते हैं। मैंने इसको गलाने के लिए इस स्टेज पे नमक डाला है। मैंने टमाटर को गलाने के लिए उस वक्त नमक नहीं डाला था, मैंने उसको ढक दिया था। तो अब मैं इसको भी एक बार ही ढकूंगी, जिससे कि जो शिमला मिर्च है हमारी, वो भी टमाटर और प्याज के साथ एक सार सी हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची ना रहे, क्योंकि हमारे बच्चों को ये थोड़ी पकी ही अच्छी लगती है। और जितनी सब्जियां आप छोटा काटेंगे ना, बारीक काटेंगे, उतनी जल्दी ये सब्जी जो इसकी सब्जियां हैं वो पक जाएंगी। अब मैं इसमें देखिए, ये पनीर जो मैंने क्रम्बल किया हुआ पनीर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। पनीर भुजिया के लिए, भुजिया जैसा पनीर दिखना चाहिए, तो बस उसी के लिए हमने पनीर को हाथ से ही तोड़ दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद थोड़ी देर आप चाहें तो इसको ढक के पकाइए, आप चाहें तो खुला करके। ढकने से क्या होता है कि जो सब्जी का अपना मॉइस्चर है वो इंटैक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी सब्जी नहीं लगती है, क्योंकि पनीर भी तो पानी छोड़ता है ना, नमक के साथ आने के बाद, नमक से मिलने के बाद वो पानी छोड़ेगा। तो इसलिए आप उसको चाहें तो आप ढक के पका लीजिए। ये देखिए, हमारी सब्जी अब ऑलमोस्ट डन है। बस मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी, मैंने इसमें बारीक कटी धनिया डाली है। धनिया से इसकी एक महक अलग सी, फ्रेश सी आती है, और साथ ही साथ इसका स्वाद भी बढ़िया होता है। तो ये देखिए, हमारी पनीर भुजिया बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। इस पनीर की भुजिया को आप चाहें तो पराठे के साथ, रोटी के साथ, या फिर पूरी के साथ भी आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, और हम जैसे बड़े भी इसको इन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप झट से अब बता दीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस रेसिपी को शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।